तो अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है कि एक कोनिकल बर्तन है जिसका हाइट आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जिसका रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, ये बिल्कुल पानी से भरा हुआ लबालब। अब उसमें अगर आप कंचे डालेंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो गिरेगा। दूसरा कंचा डालेंगे तो और पानी गिरेगा। और जो कंचा है वो उसका रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि बताओ ये साइज का कंचा इसमें कितना डाल देंगे कि इसका 1/4 पानी गिर जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन को इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये कंचों की संख्या को हम n मान ले रहे हैं, n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट्स इक्वल्स 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोम। फॉर्मूला डाल दीजिए, ये लेड शॉर्ट जो है वो स्फीयर के फॉर्म में होता है, तो n इंटू लेड शॉर्ट जो स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³, ये 1/4 ऐसे रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कोम क्या होता है 1/3πr²h। हमको ये n निकालना है। ओके, अब देखिए ये दोनों तरफ पाए है, यहां भी पाए है और यहां भी पाए है, तो ये दोनों पाए कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहां नीचे 3 है, यहां ये नीचे 3 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो n बचेगा क्या 1/4, ये इधर वाला, यहां ये r², यहां ये h, और ये दोनों चीज जो है इस तरफ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटू 4r³। ओके, अब चलिए वैल्यू डाल देते हैं, 1/4, r कितना है भाई 5 इंटू 5, और h कितना है 8, ये वाला 4 भी लिख लीजिए, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 0.5, तो 0.5 × 0.5 × 0.5 है ना। अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 4 × 4 = 16 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 × 0.5 का क्या मतलब होता है आधा, यानी 16 का आधा, तो ये क्या हो गया 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, यानी ये पूरा चीज मल्टीप्लाई होकर के हो गया 2, यानी इस पूरे से ये 8 कट जाएगा 4 बार में, क्योंकि ये पूरा हो गया था 2। 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, यानी 100 लेड शॉर्ट्स। कहने का क्या मतलब है कि ये लेड शॉर्ट्स जो हैं, ऐसे अगर 100 लेड शॉर्ट्स डाल दिए जाएं, तो ये वाला जो बर्तन है इसका 1/4 पानी गिर जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।